त्वरित की शुरुआत अमेरिका से आ रही एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर से। यहां मैरीलैंड राज्य के एनापोलिस शहर में एक अखबार के दफ्तर में शूटआउट हुआ है। ये दफ्तर कैपिटल अखबार का है। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने जेरार्ड रोमास नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये अमेरिकी नागरिक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अखबार में छपी खबर से गुस्सा होकर इसने गोलीबारी को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अखबार के दफ्तर पर हुई फायरिंग की घटना पर दुख जताया है। ट्रंप ने मृतकों और घायलों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है, साथ ही मौके पर सबसे पहले मदद करने वाले लोगों को शुक्रिया कहा है। अब बात मुंबई में कल हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से। कल मुंबई के रिहायशी इलाके घाटकोपर में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से टकराकर C-90 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान का उस वक्त का वीडियो सामने आया है जब उसने दोपहर 12:20 पर जुहू एरोड्रम से उड़ान भरी थी। थोड़ी देर बाद 1:08 पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एविएशन कंपनी सवालों के घेरे में है। कल मुंबई के घाटकोपर में रिहायशी इलाके में ये बड़ा विमान हादसा हुआ। प्लेन हादसे में पायलट प्रदीप राजपूत, को पायलट मरिया जुबेरी और टेक्नीशियन सुरभि और मनीष पांडे समेत एक राहगीर की भी मौत हो गई। नागरिक उड्डयन विभाग ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। 23 साल पुराने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हादसे की शिकार हुई को पायलट मारिया जुबेरी के पति ने एविएशन कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मारिया के पति प्रभात कुथारिया के मुताबिक गलती एविएशन कंपनी की है, जिसने पहले भी हादसे का शिकार हुए थे। खराब हो चुके प्लेन को रिपेयर करवाकर खराब मौसम में टेस्ट फ्लाइट करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि मारिया ने कल सुबह ही उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज शायद टेस्ट फ्लाइंग नहीं होगी क्योंकि मौसम खराब है। प्लेन डैमेज्ड प्लेन था, यूपी एविएशन का, यूपी गवर्नमेंट का। उसके बाद इन्होंने लिया है, उसको रिपेयर कराया है। उसको रिपेयर कराने में कितना ठीक हुआ कितना नहीं हुआ, आप 4-5 आदमियों की जिंदगी को रिस्क में डाल देते हैं टेस्ट फ्लाइट में उनको भेज के, तो किसी को तो पूछना चाहिए ना ये चीज़ की क्या क्या क्यों हुआ ये। मुंबई विमान हादसे का शिकार हुई यूपी के बदायूं की रहने वाली सुरभि गुप्ता के घर मातम पसरा हुआ है। सुरभि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थी। सुरभि की पिछले साल ही शादी हुई थी। सुरभि ने 10 दिन पहले ही अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। अब यह दर्दनाक हादसा हो गया। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने सुरभि को सम्मानित भी किया था। मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुए चार्टर विमान की उड़ान से पहले पूजा हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पायलट प्रदीप और को पायलट मरिया। समझदारी ने कई लोगों की जान बचा ली, वरना इससे बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मुंबई के घाटकोपर में जहां विमान क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाका है। पूरी जांच के बाद ही अब ये सामने आ पाएगा कि विमान में क्या गड़बड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए पवित्र गुफा के कपाट खुल गए हैं। रात से हो रही बारिश के चलते फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। श्रद्धालु बड़ी तादाद में बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण कल 1,007 श्रद्धालु ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाए। एबीपी न्यूज भी अमरनाथ पहुंचा। अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बारिश और ठंड होने के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। भक्त बम बम बोले का नारा लगा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार पूरे बर्फ का शिवलिंग बना। ज्यादातर वक्त में पूरा बर्फ का शिवलिंग कम ही देखने को मिलता है। फिलहाल बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रुकी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 12 जून से शुरू हो चुकी है। यात्रा के लिए आवेदन मार्च अप्रैल के महीने में करने होते हैं। राहुल का कोई भी आवेदन अब तक मंत्रालय को नहीं मिला है। कांग्रेस ने इससे पहले आरोप लगाया था कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी के 4 हथियारों की तस्वीरें जारी की हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस वारदात को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया और इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई। शुजात की 14 जून को श्रीनगर में हत्या हुई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कल पुरुलिया में अमित शाह ने ममता सरकार पलटने के लिए त्रिपुरा की तरह ही एबार बांग्ला चोलो पलटाई का नारा दिया। पुरुलिया वही जगह है जहां बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की फंदे से लटकी हुई लाश मिली थी। यूपी में कांग्रेस प्रवक्ता बनने के लिए हुई परीक्षा का पर्चा लीक होने का मामला सामने आया है। कांग्रेस सेवा दल के किसी कार्यकर्ता ने प्रश्न पत्र की फोटो लेकर परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर डाल दी।
हालांकि बाद में फिर परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में कुल 14 सवाल पूछे गए थे। कुछ दिन बाद दिल्ली से रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद यूपी के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन 50% बढ़ गया है। 4 साल में पहली बार स्विस बैंक में जमा धन बढ़कर पिछले साल 1 अरब स्विस बैंक 7,000 करोड़ रुपए के दायरे में पहुंच गया है। यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 50% इजाफे को दर्शाता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।